मैं डॉक्टर अभय अग्रवाल, शिशु रोग विशेषज्ञ एवं एलर्जी विशेषज्ञ। आज आपके लिए एक नई भ्रांति जो कि बहुत कॉमन भ्रांति है और यहाँ तक कि मैंने तो कुछ चिकित्सकों में भी देखी है ये भ्रांति और इस तरह की सलाह, उस पर कुछ प्रकाश डालने, कुछ जागरूक करने आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ अपने इस हेल्थ चैनल में। वह है नवजात शिशु का पीलिया और इससे जुड़ी भ्रांतियां। नवजात शिशु का पीलिया एक बेहद कॉमन होने वाला पीलिया है, बहुत सामान्यतः होता है। लगभग 75% नवजात शिशु को कम या ज्यादा पीलिया होता है। आपने आपके घर में यदि कोई बेबी हुआ हो तो आपने जरूर देखा होगा कि डॉक्टर पीलिया के लिए क्लिनिकली देखते हैं और कभी कभी ब्लड की जांच की भी सलाह देते हैं और कभी कभार बचाव के लिए या उससे ठीक करने के लिए रोज सुबह धूप दिखाने के लिए आपको कहते हैं या सुबह या कभी भी धूप दिखाने कहते हैं। और आप में से भी बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि धूप दिखाने से पीलिया कम हो जाता है। तो आज मैं आपको कुछ सच से सच्चे साइंटिफिक फैक्ट्स बताने वाला हूं। पहले तो ये बताऊं कि क्यों ये भ्रांति है कि नहीं धूप दिखाना। तो मैं कहूंगा हाँ, धूप से पीलिया कम नहीं होता नवजात शिशु का। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्यों। देखिए, दरअसल होता क्या है कि पीलिया जो नवजात शिशु को हो रहा है वह एक हार्मलेस पीलिया है, उससे कोई नुकसान नहीं। ये बड़ों को जो पीलिया होता है ना, लिवर में इंफेक्शन होने की वजह से या लिवर में समस्याएं होने की वजह से, ये वैसा वाला पीलिया नहीं है। ये अलग मैकेनिज्म है, उसे मैकेनिज्म को मैं छोड़ता हूं। यह पीलिया आमतौर पर 3rd से 4th दिन पर शुरू होता है और 7th से 8th दिन और अधिकतम 10-12 दिन तक ठीक हो जाता है। कुछ बच्चों में, कुछ शिशुओं में कभी कभार ये 18 से 20 दिन 22 दिन भी रहता है, जिससे ब्रेस्ट मिल्क जॉइंडिस जैसी समस्याएं होती। तब कुल मिला के कहने का मतलब 75% बच्चों को, न्यूबॉर्न्स को पीलिया हो सकता है, जिनमें से 90% बच्चे 3 दिन से लेकर 10 दिन में इस पीलिया से निजात पा जाएंगे। लेकिन कुछ बच्चों का पीलिया एक लिमिट से ज्यादा होता है, जिनमें बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं। उस लिमिट से यदि ज्यादा क्रॉस करता है वो पीलिया, तो उसे कम करने की जरूरत होती है। क्योंकि ये पीलिया और कुछ नहीं, एक केमिकल है ब्लड में मौजूद, जिसे सीरम बिलरुबिन कहते हैं, बिलरुबिन। यदि ये बिलरुबिन अनकॉन्जुगेटेड वाला होता है, ये एक लिमिट से ज्यादा हो जाए तो मस्तिष्क में जा सकता है नवजात शिशु के, और यदि मस्तिष्क में चला गया एक बार तो जिंदगी भर के लिए शिशु अपाहिज हो सकता है या उसे मेंटली ट्रॉडेड हो सकता है या फिर उसे दिखाई देने, चलने फिरने, कोऑर्डिनेशन में दिक्कत हो सकती है। और बहुत एक्सट्रीम केसेस में जहां बहुत ज्यादा होता है और नेग्लेक्टेड रहता है, इलाज नहीं लिया जाता, वहां मृत्यु भी हो सकती है। तो पहले तो मैं बता दूं कि फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि 90% शिशुओं में यह पीलिया अपने आप ठीक हो जाएगा बिना कुछ किए, 10% को इलाज की जरूरत होगी। तो उन 10% में से लगभग बचे हुए 8-9% केसेस, और उससे भी ज्यादा इन्फेक्ट, आजकल की फोटोथेरेपी मशीन बहुत अच्छी आ गई, फोटोथेरेपी पर रखने की सलाह मिलती है, जो कि नीली लाइट के रूप में आम पब्लिक में जानी जाती है। फोटोथेरेपी मशीन और कुछ नहीं, इनमें 425 से 475 nm वेवलेंथ की किरणें होती हैं। तो इन किरणों में जब शिशु को 24 घंटे से 48 घंटे तक रखा जाता है लगातार, पास से दी जाती हैं जब इतनी वेवलेंथ की किरणें, तो ये बिलरुबिन एक केमिकल प्रक्रिया जिसे फोटो आइसोमेराइजेशन बोलते हैं और फोटो ऑक्सीडेशन बोलते हैं, इस प्रक्रिया से यह बिलरुबिन चेंज होकर बॉडी से निकल जाता है। तो हुआ क्या कि लोगों ने सोचा कि ये लाइट ही तो है, तो किसी भी लाइट, बल्ब से भी हो जाएगा और सूरज की किरणों से भी हो जाएगा। पर मैं बता दूं, सूरज की किरणों से जो 425 से 475 nm की वेवलेंथ की किरणें, एक तो प्रॉपरली आती नहीं धरती पर ओजोन लेयर वगैरह की वजह से, दूसरा आएंगी भी तो ये किरणें ऐसी नहीं कि 10 मिनट 15 मिनट के लिए बॉडी को छुई और फिर बिलरुबिन को निकाल दी, नहीं, उसे घंटों आपको उस तरह की किरण में रखना पड़ेगा, तभी जाके ये जॉइंटिस कम होगा। तो क्या होगा, लोग उखाड़ा करके बच्चे को सुबह सुबह रख देते हैं, उससे ठंडा पड़ सकता है बच्चा। मैं देखता हूँ ऐसे बच्चे जो आते हैं जो ठंड की वजह से बीमार होकर आ जाते हैं, हाइपोथर्मिया के शिकार हो सकते हैं। तो एक तो उससे कोई इफेक्ट होना नहीं जॉइंटिस पर,
और दूसरा नुकसान हो सकता है। साथ में आप एक अंधकार में जी रहे होते हैं। बहुत सारे बच्चों में क्रेडिट मिल जाता है धूप को, सुबह की धूप को, क्यों? क्योंकि 90% बच्चे अपने आप ठीक होने वाले थे 100 में से, ठीक है, 3 से 10 दिन में। तो उस दौरान आप धूप में रख रहे हैं रोज सुबह सुबह, तो क्रेडिट धूप को मिलता गया। तो इस तरह से इस तरह के मिथ या इस तरह की भ्रांतियां समाज में एस्टेब्लिश रहती हैं, क्योंकि 10 में से 9 लोग तो ठीक होने ही है चाहे वो धूप में। मैं बता दूं, मेरा नाम लेते रहिए 8-10 दिन, तब भी जॉइंटिस ठीक हो जाएगा, यदि मैं इस तरह से भी प्रचार करूं तो, ठीक है। सो आंखें खोलना हमारे लिए जरूरी है, और ये नए रिसर्च पर बेस्ड है, तो मैं सभी चिकित्सकों से भी अनुरोध करूंगा कि इस भ्रांति को दूर करने में मदद करें। एक बार फिर वही नारा, आप यदि ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे साथ बोलिए स्वस्थ जन समृद्ध राष्ट्र, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे बटन दिया ना एक छोटा सा लाल वाला, उसे सब्सक्राइब करें प्लीज, और जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।